वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी अभी कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं जिस चीज़ के लिए हम लोग लंबे समय से संघर्षरत थे। जी हाँ, दो अटेम्प्ट्स पाने हेतु उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2019 और 2020 में हम लोग सम्मिलित होना चाहते थे। इसके लिए हम लोगों ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत संघर्ष किया है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो हमारी टीम गई है गोरखपुर, उसमें जो है उन्होंने सफलतापूर्वक मुलाकात की है वहाँ के मठाधीश श्री द्वारका जी से। वो सहमत हो गए हैं कि हमारी मुलाकात वो 9 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से करा देंगे। तो यही एक अंतिम अवसर है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन आने वाला है, दशहरा दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। और आप ये भी जानते हैं कि 15 दिसंबर को प्री का डेट निर्धारित लोक सेवा आयोग ने पहले ही कर चुका है, अपने टाइम टेबल में वो दे चुका है। तो अब इसके बाद अवसर आप समझ सकते हैं अब नहीं मिलेगा, यही एक अंतिम अवसर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से के सामने अगर हम अपनी संख्या बल को बढ़ा देते हैं तो इसका असर जो है बिल्कुल सकारात्मक रहेगा। और हम ये समझते हैं कि फैसला जो है त्वरित, मुख्यमंत्री जी त्वरित फैसला ले सकते हैं। तो इसलिए आप जितना अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचने की कोशिश करिए, ताकि हम लोग अपनी संख्या बल को देखते हुए अपनी संख्या बल को दिखाएं और ये सुनिश्चित करें कि इससे हजारों की संख्या में लड़के जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ सकारात्मक स्टेप लेते हैं तो इसमें हजारों लड़कों का कल्याण होगा। तो जो ये मानते हैं कि लोक सेवा आयोग पिछले 10 सालों से गलत करता आया है, वो भी हमारा साथ दे सकते हैं। हम आप लोगों से विनती करते हैं, हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि इस बुरे दौर से, जिस बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें हमारा साथ आप लोग अगर नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा। आप अभ्यर्थी हैं, आप कंपटीटर हैं और आप एक कंपटीटर के दुख को समझते हैं। तो इसीलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आकर के हम लोगों का जो मार्ग आगे प्रशस्त करवाएंगे। आपकी संख्या बल से ही निर्धारित होगा कि हम लोगों को अटेम्प्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसी आशा में कि आप लोग हमारा साथ देंगे, 9 अक्टूबर याद रखिएगा, 9 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हमारी जो है करनी है। शायद वो मुलाकात जो है गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में ही होगी। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे, लेकिन आपको डेट ही याद रखिएगा, एक दिन पहले ही हम लोग को वहाँ से जाना है, वहाँ पहुँचना है, ताकि 9 अक्टूबर को सुबह अगर कोई प्रोग्राम हो, जब भी हो, हम उनसे मुलाकात करके अपनी बातों को उनके समक्ष रखें, अपने दर्द को उनसे साझा करें और बिल्कुल उनसे याचना करें कि हमको अब उबार लीजिए, हमारे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को बंद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।